दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। लगातार ये कहा जा रहा है कि संविधान में संशोधन होगा अगर हमारी सत्ता आती है तो। जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि 400 पार उसके बाद संविधान में संशोधन, तमाम लोग हैं। थोड़ा सा बात करें कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई है भारतीय जनता पार्टी के पास कि संविधान संशोधन की बात करना शुरू कर दिए हैं। ये बताइए, जिस तरीके से संविधान संशोधन की बातें कही जा रही है, क्या मजबूरी आ गई है भारतीय जनता पार्टी के सामने कि चुनाव प्रचार में इस तरीके की बातें कहना शुरू हो गई है? भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी नहीं है, पूरे देश की मजबूरी है। जिस तरह से कश्मीर में धारा 370 हटी, श्री राम जी का मंदिर बना, वैसे ही ये भी ऐतिहासिक कदम होगा और पूरी भारतवर्ष की जनता इसका इंतजार कर रही है। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, 400 के पार जाए और संविधान में संशोधन हो। संविधान में किस तरीके का संशोधन चाहते हैं? जो भी अपना भारतीय नागरिकों के हित में संविधान में संशोधन हो, वो अपना सरकार अच्छे से समझती है और बराबर उस बारे में अपना उनका वक्तव्य भी आता है। हम चाहते हैं कि अपना सरकार की मंशा जो है अच्छी है तो वो सफल हो। आप क्या मानते हैं, संविधान में संशोधन होना चाहिए कि नहीं? भैया देखा, हमारे बीच में एक के हमारे जो न समाजवादी पार्टी के एक बहुत सशक्त उम्मीदवार हुआ और इन कहलन कि हमार मौसी का लड़का अखिलेश यादव हुआ, तो हमारा अनुरोध है कि पहले संविधान के बारे में इनसे चर्चा किया जाए, क्योंकि हमारे बीच के ये प्रतिनिधि चुने जाएंगे, हमारे सांसद होंगे, तो ये कितने क्वालिफाई हैं, ये एक जनता को मैसेज जरूर जाना चाहिए। तो पहले इनका जो है, आप इनके क्वालिफाई पे तो जरूर प्रश्न खड़ा कर दिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बहुत ऐसे नेता हैं जो डिग्री को लेकर बहुत संशय में रहते हैं, उनको आप नहीं कटघरे में खड़ा करते? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक जैसे आपका न्यूज़ बकेट है, तो हमारे यहाँ भी एक भारतीय जनता पार्टी का बकेट है और उसके जो सबसे बड़े अच्छे फूल है वो माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। बाकी तो देखिए, खर पतवार भी उसमें लगा रहता है बकेट में, अब उसकी पर चर्चा ना करें तो बेहतर है। संविधान को लेकर क्या कहेंगे आप? हम लोग संविधान बचाएंगे, क्या इसके लिए आपको जान कुर्बान करना होगा? संविधान में क्या आपको लगता है, क्या संविधान बदल देंगे तो हम लोग के जो गरीब आदमी यादव है और कुंभी है और गरेड़िया है और हम खुद यादव है, तो सब यादव के बात करेंगे और ठाकुरों की बात नहीं करेंगे, पंडितों की बात नहीं करेंगे। संविधान तो हर लोगों के लिए समान खत्म कर देंगे, भाजपा वाले ना सबके लिए संविधान खत्म कर देंगे, खाली बड़े बड़े जातों के लिए रखेंगे। ठीक है, संविधान को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, संविधान तो हमारा भारतीय है, मगर इसमें बहुत से ऐसे कानून हैं जो अभी अंग्रेजों के ज़माने के चले आ रहे हैं और उसकी वजह से आम जनता को अदालत में या हर जगह, जैसे पुलिस के जो आपराधिक कानून है, बहुत से पुराने ज़माने के चले आ रहे हैं, इन सबको बदलने की ज़रूरत है, इसलिए बदलना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने के डर से संविधान की बातें कहना शुरू कर, नहीं तो हम चुनाव हारने के डर से कह रहे हैं तो और विपक्षी दल क्या चुनाव जीतने के लिए कह रहे हैं कि हम संविधान को बचाएंगे? संविधान कहाँ जा रहा है कि बचाएंगे? ये लोग क्या बचाएंगे, किस चीज़ को बचाएंगे? संविधान को कौन उड़ा रहा है कि इनको बचाना? जिस तरीके से बता रहे हैं अमित शाह ने सीधे तौर पे मंच से बोले कि संविधान में संशोधन होगा, आप क्या मानते हैं किस चीज़ को संशोधन होना चाहिए? बहुत सी खामियां हैं संविधान में जिसकी वजह से आम जनता परेशान होती है, उसमें संशोधन करना जरूरी है। ठीक है, संविधान को लेकर क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से संशोधन की बातें कही जा रही है? क्या संविधान पहली बार बदला जा रहा है? संविधान कितनी बार बदला गया पहले हमें जानने की आवश्यकता है, और कितने बदला है यह जानने की आवश्यकता है। यह एक चुनाव प्रचार, चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने क्या जरूरत है, जब बदलना जरूरी होता तो बदल। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान बदलने की बात नहीं की, संविधान बदलने की बात बाकी लोग कर रहे हैं, उन्होंने तो एक बार भी नहीं कहा संविधान बदलेंगे, क्यों? वो तो कह रहे बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को हमको सुरक्षित रखना है, ये लोग उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं। आज तक पोस्टमार्टम कौन कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी? नहीं नहीं नहीं, जिन लोगों ने 125 संशोधन करके बदला है, पोस्टमार्टम तो उन्होंने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने कब बदला है? और भी लोग हैं, थोड़ा सा उनसे ही बात करेंगे कि संविधान संशोधन की बातें कही जा रही है, वो भी मंच से बोला जा रहा है कि संविधान में संशोधन होगा, आप क्या मानते हैं? नहीं, समय की मांग है,
और लोगों की यदि इच्छा है कि संविधान में कुछ संशोधन हो आम जनता के लिए, तो जो समय मोदी जी से आपके माध्यम से मोदी जी को इस बार 400 पार में हम लोग दे रहे हैं। और संविधान संशोधन के साथ साथ मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि मोदी जी जनसंख्या कानून को सख्ती से लागू करें, मैं उनसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करूंगा कि जनसंख्या कानून को सख्ती से लागू करें हमारे जनसंख्या वाली जो बातें आप लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पुराने के 90 के दशक में हैं और 2000 में, उनके चर्चा पचपच लड़के हैं, आप 2024 में क्यों हैं जिसका बच्चा ही नहीं हो, आप लोग बच्चे पे क्यों लेकर आ गए हैं? मोदी जी है तभी तो मुमकिन है, और कोई सरकार नहीं कर पाएगी ये चीज। अरे मोदी के जो भाई हुए हैं जोड़ लीजिएगा कितने हैं, जो हो गया सो हो गया, अब हम आगे के बारे में सोचना है, हमें आगे के बारे में। बच्चे नहीं है वही ज्यादा जनसंख्या नियंत्रण की बातें कर रहा है। नहीं नहीं बच्चे हैं हाँ। लेकिन ये कानून सख्ती से लागू हो तो वो हमारा कैसा आगे। मेरा ये कहना है ये जो विपक्ष जो चिल्ला रहा है कि संविधान में संशोधन हो जाएगा, विपक्ष ये क्लियर करे कि आखिर क्या संशोधन हो जाएगा, उनको कौन सा खतरा जो है संविधान में नजर आ रहा है, तो कहने की क्या बात है, मंच से क्या कह रहे हैं यही बता दे, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो बता दे कि हम क्या संशोधन करेंगे, विपक्ष तो हल्ला करेगा ही करेगा। सुनिए आप मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, ये प्रश्न विपक्ष ने उठाया है, ये किसी भाजपा ने नहीं उठाया, भाजपा का एजेंट वो नहीं, और भी लोग हैं थोड़ा सा नहीं, हम बात करें, ये बताइए कि जिस तरीके से संविधान संशोधन की बातें कही जा रही है, क्या कहेंगे संविधान संशोधन के लोग? कुछ नहीं कहेंगे, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। ठीक है, तो आप देखिए किस तरीके से संविधान संशोधन की लोकर जिस तरीके से बातें अपनी बातें बेबाकी से लोग बताए हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में, हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर, इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।